भाई अगर त्योहार के दिन मुर्गों की फाइट का लाइव टेलीकास्ट करे तो कैसा रहेगा? बस वो रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ेगी। फालतू आइडिया मत दे। अरे सुन, ये तो अपना बद्री है ना? हाँ वही है। ए बद्री, इधर आ। वैसे ही का वैसा काला है ये। क्या रे, अपने गांव जा रहा है? अब हमेशा के लिए उधर ही रहूंगा। तुझे बोला था शहर की नौकरी छोड़कर यहाँ पे कर ले। और तेरी शहरी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो पहले की बात थी। ए टीवी सीरियल में जो होता है उस पे यकीन कर लेना, पर कंप्यूटर की दोस्ती पे यकीन मत करना। पहले देखती है, फिर मुस्कुराती है, फिर खर्चा करवाती है। उनके ऊपर खर्च कर करके मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए गाँव छोड़ के जा रहा हूँ। और तेरी गर्लफ्रेंड? अरे काहे की गर्लफ्रेंड, अरे जब देखो तब मेरी बैंड बजाती है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके नाइट डिनर तक मेरी छाती पे मूंग दलती है। ए शुरू में ना मेरे गांव का पिन कोड नंबर मांगा, मैंने उसको दे दिया। उसके बाद एटीएम का पिन कोड मांगा, कहीं उसे बुरा ना लगे सोच के दे दिया। उसके बाद वो स्वाइप पे स्वाइप किए जा रही है यार। इसलिए कहते हैं अपनों पर भरोसा करो, गैरों पर नहीं। जैसे दूसरों को सेट किया मुझे भी कर दो ना यार। फेस्टिवल हो जाने दे, बाद में देखते हैं। नारियल रेडी? माँ कसम आज तू एकदम नारियल बेचने वाला लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। ये रखकर हमको राजमंडी जाना है, याद है तेरे को? राजमंडी क्यों भूल गया तू? मेरे लिए लड़की देखने जाना है, इसलिए राजमंडी जाकर शॉपिंग करने की बात हुई थी ना। कहीं रिश्तेदारों में तू बिजी तो नहीं हो गया? अरे रिश्तेदार आसमान के पंछी की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्त आकाश की तरह होते हैं जो हरदम हमारे साथ रहते हैं। चलो चलते हैं। राजू इतनी देर में आएगा तू? अरे अभी अंदर गया और अभी आया। दादाजी दादाजी, ये देखिए फोटो। ये क्या है? फोटोज। ये कौन है? कैटी, रीचा। अरे बाबा, नारियल लेकर आ गया हूँ, आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। अब तू एक काम कर, वो नित्या को अपना गांव खेती बाड़ी देखना है, जाके दिखा दे। ठीक है बड़े पापा। सुन ताकत के लिए दूध पीना बहुत जरूरी होता है। यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? वो अंदर राजू के साथ राजमंडी जा रहे हैं, इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं। ओहो मैं नहीं आ रहा हूँ यार। एक काम करो, तुम लोग जाकर आ जाओ, मुझे कुछ काम है। बेटा मेरे लिए तुम अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त तो आए हुए ही है, उन्हीं के साथ चले जाओ। दोस्त क्या है फूफा जी, पेड़ के पत्तों की तरह होते हैं, हमेशा झड़ते रहते हैं। लेकिन रिश्तेदार वो तो पेड़ है, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। क्या हुआ, तुम लोग जाओ ना। आइए फूफा जी आओ। लगता है दादाजी ने कुछ काम बता दिया होगा, राजमंडी बाद में जाएंगे। चल अभी चलते हैं। Hey, nice painting. इसे पेंटिंग नहीं कहते, रंगोली बोलते हैं। रंगोली? हाँ। ओके। ए सुबो। सुबो। ये क्या डिजाइन बना रही है तू? मेरा घर बहुत सुंदर है ना, इसलिए मैं घर के सामने रंगोली बना रही हूँ। मेरी रंगोली कैसी है? ये कोई रंगोली है? देखो ना इसमें कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। अरे फ्लावर्स कहाँ हैं? अरे भूल गई, अभी बना देती हूँ। राजू मुझे ही सीखना है। सुबो नित्या को तुम रंगोली बनाना सिखाओगी? तुम जो कहोगे ना मैं सब सिखा दूंगी। अच्छा तू कुछ भी सिखा देगी? तुझे पता है ये कौन है? वैसे ये लड़की कौन है? मेरी आंटी की लड़की है। नमस्ते जी। ये बात है तो फिर मैं सेफ हुआ। क्या मतलब? वो जिसके पास आईफोन होता है ना वो चाइना फोन नहीं चुराता है। आईफोन चाइना फोन क्या होता है? आईफोन मतलब आईफोन होता है और चाइना फोन मतलब चाइना फोन होता है। सही बोल रहा हूँ ना? चलो चलते हैं। बहुत हीरा लिया, रंगोली बना। अरे बेटा कैसे हो, ये लड़की कौन है? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। ओ ऑस्ट्रेलिया वाली, दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। मुंह मीठा कब करवा रहे हो? मुंह मीठा मतलब? मुंह मीठा मतलब खीर खानी है। ओ मतलब खीर। दादी आपको खीर खानी है? जी हाँ मैं लाऊंगी। चलो चलते हैं। और चाचा जी इस बार खेती अच्छी हुई ना? हाँ बेटा। बड़े पापा याद कर रहे थे, जरा मिल लेना। ठीक है बेटा मिल लूंगा। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। नहीं लेकिन तुम सबको अंकल आंटी कह रहे हो। बड़ों को नाम से कैसे पुकार सकते हैं, रिश्ते से पुकारोगे तो रिश्ते बन जाते हैं। गांव में हम सबको ऐसे ही बुलाते हैं, इसलिए यहाँ पर रिलेशंस और इमोशंस ज्यादा हैं। वेरी नाइस। अरे यहाँ खेती बाइक से करते हैं क्या? इंटरेस्टिंग। क्या रे कौन है ये? नित्या, रिश्तेदारी समझ ली। हाय। नमस्ते जी। तुम्हारी बाइक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सारा क्रेडिट राजू को है, इसी ने बनाया है इसे। रियली? सिर्फ यही नहीं बहुत सारी चीजों को बनाया है इसने जो यहाँ के किसानों के काम आती हैं। पढ़ा आठ तक है
लेकिन दिमाग इंजीनियर वाला. Really? That's great. I never expected that from him. You're really talented, Raju. Oh, sorry. आप इंग्लिश नहीं समझते ना? What you said about Raju is absolutely right. He has amazing talent. His inventions are useful to every villager. You know English? I did my master's from Chicago State University. वहाँ पढ़कर आप यहाँ? क्यों? उधर पढ़कर यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं कर सकते? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था. इसीने मुझसे कहा, तू शहर में जितना पैसा कमाएगा उतना पैसा तू यहाँ खेती करके कमा सकता है, और आज मैं नौकरी से ज्यादा पैसा यहाँ कमा रहा हूँ. इसका क्रेडिट जाता है राजू को, सच कहूँ तो. आई एम वेरी हैप्पी. दैट्स ग्रेट. चलें. हाँ. बाय. बाद में मिलते हैं. नित्या. हुँ? ये कैमरा दो. अब चलो. हाँ? आओ. राजू, हाउ कुड आई कम? कैटवॉक पता है ना? आई नो. वैसे ही करते हुए आ जाओ. अरे आओ, कुछ नहीं होगा. हम लोग जब यूरोप टूर के लिए गए थे ना, ये तब की फोटो है. नानी माँ, रानी माँ, वो आपका फेसबुक अकाउंट है क्या? ये कौन सा अकाउंट है? ओ गॉड, फेसबुक क्या होता है ये आपको नहीं पता नानी माँ? टू बैड. बेटा, नानी से बात नहीं करते. यहाँ एक मिनट नानी, मेरी फ्रेंड का फोन है. हाय शाइनी, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? या, आई एम फाइन. Are you comfortable there? The climate is a bit harsh, but everything is fine. Okay. Wait a minute. I'll show you my grandma. Hi, boli nani. Hi. Nani ma. Hi, nahi. Hi. Hi. Hi, grandma. I'll introduce my grandfather, okay? Nanaji, Nanaji. My friend, Shiny. Hi, grandpa. थैंक यू, बाय, आई कैच यू लेटर. अब खिलाइए नानी. शांति, लगता है हम लोग यूं ही चले आए. यहां तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है. मम्मी तो यहाँ पे खुश है, और पापा जी भी यहाँ ठीक ठाक नजर आ रहे हैं. आखिर बात क्या है, पता करो. मैं माँ से बात करके देखती हूँ. What are you doing? दूध दूह रहा हूँ मैं. पियोगे? एकदम ताजा ताजा है. No 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 no. No. अरे रुको रुको, थोड़ा पीकर देखो तो सही. क्या दे रहे हो तुम्हें? मिल्क. तो पी लो. एकदम ताजा दूध है ये बेटा. दूध नहीं पीऊंगा, डब्बे वाला दूध पीऊंगा. ये कैसी बातें कर रहा है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इसे समझ में नहीं आ रहा है. ओए, इसी दूध को वो लोग बाद में पैकेट में डालकर बेचते हैं. नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. नालायक कहीं का. He's funny. मम्मी, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है? हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हैं. असल में हुआ क्या है? बड़ी माँ, कॉफी दे दो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. पहले इन सब को तोड़ दे तू. क्या कहा? ये सब मैं करूंगा? क्यों, नहीं तोड़ेगा? तोड़ता हूँ. कॉफी कहाँ है? देती हूँ तुझे. शांति, दो दिन में तेरे भाई आ रहे हैं. तू ना अपना गुस्सा और ईगो कम करके उनसे बात कर लेना. आप मुझसे कह रही हैं? उनके फ्रेंड को मैंने शादी के लिए मना किया, और मेरी पसंद के लड़के से मैंने शादी की, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करते. और आप मुझसे कह रही हैं? कभी उनसे भी कहिए. ठीक है, वैसे भी तू मेरी बात कहाँ सुनती है. अच्छा सुन, एक बात ध्यान रखना, उन दोनों से झगड़ा बिल्कुल मत करना, ठीक है? गुड मॉर्निंग राजू. गुड मॉर्निंग. क्या कर रहे हो? रीठा तोड़ रहा हूँ. मतलब? सो मेनी इयर्स बैक, नो शैम्पू. दैट टाइम इस रीठा से ही शैम्पू बनाते थे. Really? Yes. मैं तोड़ना चाहती हूँ. हाँ.
अरे ऐसे नहीं, इसे ऐसे रख के ऐसे पकड़ो और मारो, अब इसे मारो। अरे बाप रे, तोड़ दिया। क्या हुआ राजू, क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट लगी क्या? नहीं कुछ नहीं, अगर मैं चिल्लाऊंगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे ये मैं देखना चाहता था। दिमाग खराब हो गया है तेरा, हम लोग कितना घबरा गए थे पता है? क्या हुआ? कुछ नहीं बड़े पापा। हाँ। चलो यहाँ से। अरे बाप रे चल रहा है। अरे इट्स ब्लीडिंग। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी, दर्द हो रहा है ना? थोड़ा सा। अरे दर्द हो रहा है तो बताना चाहिए था ना। अगर खुशी हो तो 10 लोगों के साथ बांटनी चाहिए, लेकिन दुख को बांटकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। तुमने देखा ना, थोड़ा चिल्लाया तो सब लोग आ गए, अगर ये देख लेते तो बवाल ही हो जाता। तू राजू को बुलाकर ला, मैं तब तक सिगरेट फूंक लेता हूँ। अरे सिगरेट छोड़ दे यार। अरे लास्ट पफ में किक मिलती है मुझे, सिगरेट पिएगा तो पता चलेगा। छोड़ दे यार। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तू जाकर राजू को बुलाकर ला। मत छोड़, मैं जा रहा हूँ। क्यों रे, कहाँ जा रहा है बंठन के? लड़की देखने जा रहा हूँ मैं। लड़की देखने? हाँ। तो फिर जा, यहाँ क्या कर रहा है? मैं जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। बुझा के जल्दी जा, नहीं तो भाग जाएगी वो। लड़की कहीं नहीं भाग सकती, और भाग भी गई तो मैं उसे खोज निकालूंगा दादा ठाकुर। राजू नमस्ते। हाँ बड़े पापा। बेटा मैं खेत पे जा रहा हूँ। ठीक है बड़े पापा। इसे बर्नौल दे देना। बर्नौल किस लिए यार? अरे जल गया हूँ यार। किस्मत अच्छी जो दूसरी जगह जली, एक दो इंच इधर उधर होती तो किस्मत जल जाती। अरे वो बाद में सोचेंगे, अभी चलें क्या? हाँ चल, नित्या को भी चलना है तो उसे ले लेते। ओके। लड़की देखने जा रहे हैं या शादी करने, ये सब की क्या जरूरत थी यार? लड़की सोनू भाई देखने जा रहा है, इसीलिए पूरी बारात को साथ लेकर जा रहा है। सुन बे, एंट्री से एग्जिट तक सब कुछ शूट होना चाहिए। आइया फिकर मत करो, आपकी फर्स्ट नाइट भी शूट कर दूंगा मैं। गधे, कोई फर्स्ट नाइट भी शूट करवाता है क्या? लड़की देखने जाने के लिए भी कैमरा नहीं चाहिए। हाय, आई एम नित्या, ग्रूम्स फ्रेंड। आजा आजा, कितना प्यारा बच्चा है। क्या बात है, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। यहाँ मेरी लगी पड़ी और तुझे एक्सप्रेशन की पड़ी है। फोटोग्राफी में हर चीज शूट होनी चाहिए। समझ गया ना? बेटा मेरी बेटी से कोई बात करनी है क्या? अरे क्या बात करनी है, शादी करवा दीजिए बस। मुझे बात करनी है, आप अंदर चलिए। अरे जाना। पिताजी मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। आप लड़की ने मना क्यों कर दिया? मना करना था कर दिया। अरे कर दिया लेकिन क्यों किया? इसके चेहरे से लग रहा है ये मनी मन में खुद को कोस रहा है। हाँ, कोस तो रहा कोस है। रहा है मतलब? मतलब अरे चुप रहो सब। क्या हुआ तू ही बता देना। जो भी हुआ मस्त हुआ। अरे सुन, बचपन से अब तक के तेरे सारे वीडियो मैंने इसमें शूट किए हुए हैं। जब तू बेडरूम में गया था वो भी शूट कर लिया। अबे तूने बेडरूम का भी शूट कर लिया? अरे तूने तो कहा था कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। पर दरवाजा तो बंद था। अरे पर खिड़की तो खुली थी ना। ये देखो एडिट करके कमाल का सीन बनाया। सुनिए जी, सब लोग बाहर हैं। आप वहाँ क्यों खड़े हैं, थोड़ा नजदीक आइए ना। और नजदीक। मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। मैं नहीं शर्मा रही तो तुम क्यों, आओ ना। अरे ये सेल्फी क्यों ली? ये फोटो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगी। वो क्यों? अरे यार हमारी शादी होने के बाद फ्रेंड्स के घर पे पब में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, तो सबको बोलना चाहिए ना कि हमारी जोड़ी अच्छी है। क्यों नहीं बोलेंगे? गारंटी से बोलेंगे। गारंटी से काम नहीं चलेगा। हा? मुझे वोटिंग चाहिए। देखो भाई इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अरे यार तू जो अपनी ईमानदारी निभा रहा, जरा इसकी हालत भी तो देख। ऐसा लग रहा रो रो के मर जाएगा ये। रोने की क्या जरूरत है, इसे तो खुश होना चाहिए। बात तो तेरी सही है, तेरी शादी होने से पहले वो फोटो उसने फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दी तो तू बर्बाद हो जाएगा। अरे यार पति सिलेक्ट करने के लिए पब्लिक ओपिनियन की क्या जरूरत है, कुछ भी। तू ठीक कहता है यार, चल। हे, वो मटके पेड़ पर क्यों बंधे हैं? अरे वो तो ताड़ी है। हाँ करेक्ट। ताड़ी मतलब? ताड़ी मतलब बोले तो हाँ, ट्री मिल्क। ट्री मिल्क? मैंने काऊ मिल्क और बफलो मिल्क तो सुना है, ये ट्री मिल्क क्या है?
एडल्ट मिल्क, एकदम सही बोला। राजू मुझे ये देखना है, कम लेट्स गो, कम शो मी। ठीक है चलो दिखाता हूँ। राजू ये भी तुमने ही बनाई है ना? हाँ, दाढ़ी उतारने में आसानी होती है इसलिए। Oh my God, this is awesome. I can't believe this. अब खुश हो ना? हाँ।